Good morning, everyone. So, this is the second part of the explanation video of Chapter 6 Civics, uh, Rural Administration. In the first part, I have explained you about uh, maintenance of uh, land records and the work of Patwari. So, in this part, first of all, we will continue uh, about the Patwari only. What is the work of Patwari? सो द पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया सो पटवारी की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी होती है मैंटेनेंस और रिकॉर्ड्स को मैंटेन करने के साथ साथ कि वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन जो भी लैंड रिवेन्यू रिवेन्यू मीन्स होता है कर जो भी लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट वो कलेक्ट किया जाता है पटवारी के द्वारा फार्मर्स से एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट और वो सरकार को ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं अबाउट द क्रॉप्स ग्रो इन दिस एरिया कि किस एरिया में कौन सी फसल जो है वो उगाई जा रही है दिस इज डन फ्रॉम द रिक्ड्स दैट आर कैप्ड और ये किन के थ्रू होता है जो रिकॉर्ड्स पटवारी रखते हैं उनके थ्रू होता है एंड दिस इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस और यही ही दीज. रीजन है कि पटवारी के लिए जरूरी होता है कि जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो उन्हें रेगुलरली अपडेट करें फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन दर फील्ड और समवन वन में डेगा वेल समवेयर फार्मर्स अपनी चेंज कर सकते हैं कि वो कौन सी फसल उगा रहे हैं और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने खेत में कहीं पर भी कुआं खोद सकता है सो द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी सो पटवारी जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको खसरा बोलते हैं गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो कुछ एक मैप दिया गया है नीचे सो so, जो खसरा uh, इन्फॉर्मेशन uh, है उसके द्वारा हमें कुछ uh, जानकारी प्राप्त होगी इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाई होम ये बताता है कि कौन सा प्लॉट जो है वो किस व्यक्ति का है लुक एट बोथ द रिकॉर्ड एंड द मैप एंड आंसर दीज क्वेश्चन गिवेन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघूज लैंड सो क्या करना है पहले आपको ये पूरा रिकॉर्ड देखना है देन वन मैप इज ऑल्सो गिवेन और आपको फिर दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं विच इज रिलेटेड टू मोहन एंड रघूज लैंड ओनली सो दैट इज खसरा फाइव खसरा इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड्स होते हैं पटवारी के पास दैट इज सो फर्स्ट आपका सीरियल नंबर हो गया दैन एरिया इन हैक्टर मीन्स जो फील्ड है उसका पूरा हेक्टर में कितना है नेम ऑफ द ओनर फार्मर और हजबेंड्स नेम एड्रेस सो यहाँ पर फार्मर का नेम आ जाएगा फादर नेम होगा और अड्रेस होगा इफ इट इज रेंटेड टू समर फार्मर देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड सो अगर उन्होंने अपनी लैंड किसी और फार्मर को किराए पर दे रखी है तो so उस फार्मर का नेम आएगा जिसको रेंट पर दिया गया है एंड जो रेंट वो रिसीव करते हैं वो रेंट भी आएगा देन आता है आपका एरिया कल्टिवेशन दिस कल्टिवेटेड दिस ईयर कितने एरिया में उन्होंने खेती की इस बार सो so, आपका सबसे पहले क्रॉप ग्रोन आएगा कि कौन सी फसल उगाई गई देन आपका एरिया आएगा कितने एरिया में उगाई गई टोटल एरिया से सेकेंड क्रॉप ग्रोन और दूसरी फसल कौन सी उगाई गई एरिया नॉट कल्टिवेटेड फ्रॉम लैंड और ऐसा पूरी लैंड का पूरी फील्ड का कौन सा एरिया है जिसमें खेती नहीं की गई फैसिलिटीज क्या क्या है हर प्लॉट में वो भी यहाँ पर मैंशन होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव हेक्टेयर दैट इज ऑफ मोहन लैंड सो मोहन के फादर का नेम है राजा राम सन ऑफ राजा राम विलेज है अमरापुरा ओनर है ये किसी को रेंट पर नहीं दी है दैट्स वाई नो क्या क्रॉप ग्रो की गई सोयाबीन कितने एरिया में जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव हेक्टर मीन्स पूरे फील्ड में उसने एक ही क्रॉप जो है वो लगाई सेकेंड क्रॉप नहीं थी और बचा हुआ कोई एरिया भी नहीं है एंड नो फैसिलिटीज देयर सेकेंड इज ऑफ थ्री हेक्टर ये किसकी लैंड है दैट इज ऑफ रघु रघुराम सन ऑफ रतनलाल विलेज अम्रपुरा ओनर ये भी अम्रपुरा में है और ओनर है इन्होंने भी रेंट पर नहीं दे रखी है इनकी क्रॉप कौन सी ग्रो की गई है सोयाबीन व्हीट इरीगेटेड मीन्स सोयाबीन और गेहूँ देन इन्होंने कितने एरिया में किया है अपनी थ्री हेक्टर में से टू पॉइंट सेवन फाइव हेक्टर में इन्होंने किया है सेकेंड क्रॉप इनकी किस एरिया में ग्रो की गई है हेक्टर में देन कितना एरिया जो है जहां पर कल्टिवेशन नहीं की गई है दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव बिकॉज टोटल उनकी थ्री हेक्टर लैंड है और टू पॉइंट सेवेंटी फाइव हेक्टर में उन्होंने खेती कर रखी है फैसिलिटीज क्या है कि एक उनके पास कुआं है जो कि अभी काम कर रहा है नेक्स्ट आता है सिक्स हेक्टेयर ये किसकी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड लैंड ये गवर्नमेंट के अंडर आती है किसी को भी रेंट पर नहीं दे रखी है सो एंड नो कल्टिवेशन इज बींग डन ऑन द लैंड ग्रास लैंड है सो दैट मीन्स द एनिमल्स यूज टू गेज द ग्रास इन द फील्ड यहां पर क्या फैसिलिटी है कि आ, एक कुआं है और आ, यहां पर ग्रेजिंग के लिए उन्होंने फील्ड दे रखी है सो so, विलेज अमरपुरा पटवारी रिकॉर्ड है ये देन आप देख सकते हैं कि एक यहां पर मैप भी दिया हुआ है स्केल वन वन इंच फीट सो यहाँ लेजेंड में देख लीजिए जो ये साइन है दैट इज शोइंग बाउंड्री सेकेंड ये साइन आपका वेल दिखा रहा है ये ग्रास लैंड दिखा रहा है देन आपका कच्चा रोड आता है पक्का रोड एंड ट्रीज सो so, क्वेश्चन है हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड यानी मोहन की जो फील्ड थी उसके साउथ एरिया में किसकी लैंड थी सो so, ये नॉर्थ एरिया है दैट मीन्स ये आपका साउथ एरिया आएगा एंड यहाँ पे जीरो वन किस को रेफर कर रहा है जीरो वन रेफर कर रहा है मोहन की लैंड को सो दैट मीन ये मोहन की लैंड हुई और साउथ एरिया आया ये और साउथ एरिया में क्या है कच्चा रोड एज यू कैन सी इन द सिंबल कि ये कच्चा रोड का सिंबल है सेकंड है मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन एंड रघुज लैंड सो कॉमन बाउंड्री कौन सी है मोहन और रघु की लैंड के बीच में दैट इज शोइंग बाय दिस सो दैट इज दैट इज द बाउंड्री नेक्स्ट आपका आता है हु कैन यूज फील्ड नंबर थ्री अब फील्ड नंबर थ्री कौन यूज कर सकता है दैट नो वन कैन यूज बिकॉज इट इज अ फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है ग्रेजिंग के लिए है यहाँ पर एनिमल्स ग्रेज करते हैं मीन्स चरते हैं वॉट इन्फॉर्मेशन कैन वन कैन गेट फ्रॉम फील्ड नंबर टू एंड फील्ड नंबर थ्री सो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है यहाँ पर प्रॉपर फील्ड नंबर वन में मिल रही है कि जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव हेक्टर में खेती की गई सोयाबीन की, की गई सेकेंड में मिल रही है कि सोयाबीन और वीट की खेती की गई 2.75 हेक्टर में की गई और जीरो हेक्टर जो है वो खाली है इसके साथ ही साथ एक पर फैसिलिटी है वेल की

ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है ये पटवारी तो रखते ही है लेकिन ये जो वर्क होता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा एक कर वसूली का जो होता है टैक्स वी कैंड से जिसको हम टैक्स बोलते हैं जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा किया जाता है सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज़ वर्क और जो सीनियर पीपल होते हैं इस डिपार्टमेंट के मीन्स जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट होता है ये पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो सारे तहसीलों में डिवाइडेड हैं फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड सो अब क्या होता है कि जितने भी मैटर हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैनेज करने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं इनको भी डिवाइड किया गया होता है स्टेट्स को हम डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट हमारी आती है सब डिविजन्स में सो दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स सच एस तहसील तालुका एटसेट्रा सो so जो हमारी वो डिस्ट्रिक्ट होती है जब हम उसको सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो उसको हम या तो तह, तहसील बोलते हैं या फिर तालुका बोलते हैं एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रिवेन्यू ऑफिसर्स सो जो आपका uh, एक तहसील होती है उसका जो हेड होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और उसके साथ ही जो रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं उसको हम जानते हैं ऑल्सो नोन एज तहसीलदार तहसीलदार के नाम से भी जानते हैं वो वर्क करते हैं दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी सो जो uh, डिस्ट्रिक्ट uh, कलेक्टर होते हैं और तहसीलदार होते हैं वो पटवारी का वर्क सुपरवाइज करते हैं एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली एंड लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड और ये मेक श्योर sure करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली रखे जा रहे हैं और जो रिवेन्यू है जो कर है वो uh, सही तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली करते हैं तहसीलदारिकॉर्ड है, है एक फार्मर का वो उसको बहुत ईजीली ऑप्टेन uh, uh, कर सके स्टूडेंट कैन ऑप्टेन दस्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इसके साथ ही आप देखते हैं की uh, तहसील से ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है द तहसीलदार ऑफिसर इज वेयर लैंडो सॉरी द तहसीलदारेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ट सो आप सभी देखते होंगे कि तहसील में जो ऑफिस होता है दैट इज द ऑफिस ऑफ तहसीलदार ओनली और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे झगड़े होते हैं डिस्प्यूट होती हैं जिनकी सुनवाई की जाती है सो फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कापी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टूगेदर विद अ मैप किसानों को अक्सर चाहिए होती है कॉपी अपने लैंड की इसके साथ ही उनको मैप भी चाहिए होता है कि उनका कौन सा एरिया में उनका फील्ड आता है और क्या मेजरमेंट है एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन जैसा हमने पिछले मैप में देखा था अभी दे हैव अ राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन उनका यह अधिकार है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस और इसके लिए उन्हें छोटी फीस पे करना पड़ सकती है हाउ एवर दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड फार्मो समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होती है फार्मर्स को कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसे प्राप्त करने के लिए इन स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बींगूटराइज अब कुछ स्टेट्स में क्या हो रहा है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें कंप्यूटराइज किया जा रहा है एंड ऑल्सो कैप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड और उनको कहां रखा जाता है पंचायत ऑफिस में रखा जाता है ताकि वो इजीली अवेलेबल हो जाए फार्मर्स को और अपडेट भी आसानी से किए जा सकें वेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड आपको क्या लगता है कि ये जो खसरा रिकॉर्ड होता है एक फार्मर को कब चाहिए रहता होगा स्टडी द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच दीज रिकॉर्ड वुड बी नेसेसरी एंड वाई कुछ सिचुएशंस दी गई हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सिचुएशन में जरूरत पड़ सकती है एक खसरा रिकॉर्ड की सो द फर्स्ट वन इज अ फार्मर वॉन्ट्स टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर ऑब्वियसली अगर एक फार्मर किसी और से प्लॉट खरीद रहा है तो वो खसरा रिकॉर्ड देखेगा और सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा अ फार्मर वॉन्ट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर अगर किसी फार्मर को अपना उत्पाद किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना है तब भी खसरा रिकॉर्ड चाहिए होगा नहीं एट द टाइम खसरा रिकॉर्ड विल नॉट बी नीडेड ओके नेक्स्ट इज अ फार्मर वॉन्ट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड अगर कोई फार्मर अपनी जमीन पर अपनी फील्ड पर कुआ खोदना चाहता है और वो बैंक से लोन लेना चाहता है सो इन दैट सिचुएशन ही खसरा रिकॉर्ड अ फार्मर वॉन्ट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिस फील्ड अगर वो अपनी फील्ड के लिए अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है सो अ खसरा रिकॉर्ड विल नॉट बी नीडेड इन दैट केस अमर वॉन्ट्स टू डिड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज चिल्ड्रन सो अगर वो अपने बच्चों के बीच अपनी प्रॉपर्टी अपनी फील्ड को बांटना चाहता है सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम उसको मेजरमेंट प्रॉपर चाहिए होगा सो so वो खसरा रिकॉर्ड के थ्रू ही कर पाएगा पिक्चर यू कैन सी लैंड सॉरी फील्ड इज देअर हट इज देयर टू मैन आर स्टैंडिंग टू वुमेन आर स्टैंडिंग and here it is written i want a place of my own not dowry main apni ek jagah chahti hu dahej nahi chahti hu so a daughter's wish a poem is given ki ek ladki ki kya ichha ho sakti hai that we will understand about the uh, wish of a daughter father inherited our house from his father inherited means hota hai virasat mein milna means pitaji ko jo ghar mila unke pitaji se virasat mein mila and everyone says he leave it to brother और हर कोई कहता है कि अब वो घर वो मेरे भाई के लिए छोड़कर जाएंगे बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर लेकिन मेरा और मेरी मम्मी का क्या मीन्स पिताजी को उनके पिता से मिला विरासत में घर और जो घर उनको मिला वो मेरे भाई के लिए छोड़कर जाएंगे बट मेरा और मेरी मम्मी के लिए क्या To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. मुझे ये बताया गया है कि अपने पिता की जायदाद में से अगर मैं अपना शेयर चाहती हूँ अपना हिस्सा चाहती हूँ तो एक वुमेन होने के नाते मेरे लिए वो सही नहीं है बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन लेकिन मैं अपनी एक जगह चाहती हूँ नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड ना ही मैं दहेज चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी शादी में दहेज दें मुझे सोना दें आई वॉन्ट माई ओन प्लेस बिकॉज uh, कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था दट गर्ल्स डू नॉट शेयर यू नो इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड ओनली ब्रदर्स कैन शेयर ऐसा कहा जाता था कि केवल भाइयों के बीच ही बंटवारा हो सकता है एक पिता की जायदाद का बेटियां उसकी हकदार नहीं होती हैं अव लॉ उसके बाद आया एक न्यू लॉ विच इज कॉल्ड हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव 2005 में आया often we think of farmers who own land अक्सर हम सोचते हैं जो किसान जिनकी अपनी भूमि होती है we think of men हम अह आदमियों के बारे में सोचते हैं gents के बारे में सोचते हैं women are seen as people who work on the fields और महिलाओं को हम उन आ, वर्कर्स के रूप में देखते हैं जो खेतों में काम करती हैं बट नॉट एज़ पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड हमने कभी नहीं देखा कि आ, लेडीज हों और वो फार्मर हों जिनकी खुद की भूमि हो खुद की लैंड हो टिल रिसेंटली इन समेट हिंदू वुमे डिड नॉट गेट अर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड कुछ समय पहले तक अभी तक जो हिंदू वूमे हुआ करती थी हिंदू रिलीजन के अंतर्गत उनको क्या किया जाता था अपने पिता की जो एग्रीकल्चरल लैंड होती थी खेती वाली जो भूमि होती थी उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिस प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमॉन्ग हिस सन अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी सो तो जो प्रॉपर्टी होती थी जो लैंड होती थी वो केवल बेटो के बीच ही डिवाइड की जाती थी रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज और अभी रिसेंटली जो लॉ है वो बदला है और न्यू लॉ पास किया गया था विच इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड दर मोदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड सो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एक जो प्रॉपर्टी है एक व्यक्ति की उसमें उसकी वाइफ मीन्स उनकी पत्नी उनके बेटे और उनकी बेटी तीनों का इक्वल शेयर होगा द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, सो ये जो लॉ है ये हर स्टेट में अप्लाई किया जाएगा हर राज्य में और इसके साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरीट्रीज हैं, वहाँ पर भी अप्लाई होगा दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इससे बहुत सारी वुमेन को जो है वो बेनिफिट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक खेती करने वालों की फैमिली है और सुधा उनकी सबसे बड़ी बेटी है शी इज मैरिड एंड लिवस इन अबरिंग विलेज उसकी शादी हो गई है और वो पांच के ही एक गाँव में रहती है आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो सुधा अक्सर अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए आती थी जो भी खेती का काम होता है उसमें हर मदर हैड आज द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम with विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हिस्स रिकॉर्ड सो उनकी सुधा की मदर ने क्या किया पटवारी को बोला कि यह, ट्रांसफर किया जाए सबसे पहले तो जो लैंड है उसको और उसके साथ ही सुधा का नाम भी उसमें एंटर किया जाए मींस जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रिकॉर्ड में नेम होना चाहिए सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर अब सुधा की मम्मी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ अपनी फार्मिंग चलाती हैं उनका बेटा काम करता है और सुधा भी उनके साथ काम करती है सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑन ऑफ द लैंड और इसके साथ साथ सुधा जो है वो भी अश्योर है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है सो so ऑब्वियसली वो डिपेंड हो सकती है जो भी उस फील्ड के अंदर उसका शेयर है उस पर नेक्स्ट आता है टॉपिक अदर पब्लिक सर्विसेज और जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वॉट आर दे सर्वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इस चैप्टर में हमने प्रशासन का जो काम होता है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जाना स्पेशली फॉर रूरल एरियाज ग्रामीण इलाकों के बारे में खासकर पढ़ा हमने द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकेंड जो पटवारी का वर्क था कि वो क्या करते हैं लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिड द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द that of the patwari, which I have explained. दिस वर्क इज सुपरवाइज बाई अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट और ये जो दोनों काम होते हैं ये कुछ और लोगों के द्वारा भी सुपरवाइज किए जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर सच एज द तहसीलदार एंड द सुपर ऑफ पुलिस और जैसे कि तहसीलदार होते हैं जो पटवारी के जिनके अंडर काम करते हैं और इसके साथ ही साथ होते हैं आपके एस पी जो uh, पुलिस इंचार्ज होते हैं वी हैव ऑल्सो सीन नाउ पीपल यूज सर्विसेस एंड सम फेस हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से लोग जो है यूज करते हैं सो है। so, इसके साथ ही क्या रहता है दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉस डेट है इनका यूज किया जाना चाहिए उन और ये सर्विस वैसे ही फंक्शन करनी चाहिए वैसे ही काम करना चाहिए जैसे इनके लिए लॉ जो है वो फ्रेम किया गया है यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाई वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इसके साथ ही आपने बहुत अलग अलग पब्लिक सर्विसेज देखी होंगी जो जनता के लिए होती हैं जो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और हर किसी का डिपार्टमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर यू फॉर योर विलेज बाई विजिटिंग अ नियर बाई विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपने विलेज के लिए या फिर आप पास का कोई विलेज विजिट कर सकते हैं लिस्ट द पब्लिक सर्विसेज इन द विलेज उस विलेज में कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज हैं वो लिस्ट करनी है एंड एरियाज सच एज मिल्की द मिल्क सोसाइटी द फेयर प्राइस शॉप जिसको राशन शॉप भी बोला जाता है द बैंक द पुलिस स्टेशन द एग्रीकल्चरल सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस आंगनवाड़ी क्रीट गवर्नमेंट स्कूल हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एटसेट्रा इन सबको आपको लिस्ट करना है जो सर्विसेज हैं इनकी कलेक्ट इंफॉमेशन ऑन थ्री पब्लिक सर्विसेज कोई भी तीन पब्लिक सर्विसेज के बारे में आपको इंफॉमेसन कलेक्ट करनी है एंड डिस्कस विद योर टीचर हाउ इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड इन दियर फंक्शनिंग सो क्या कर सकते हैं पहले तो आपको इन द स्कूल यू कैन डिस्कस विद योर टीचर नाउ यू आर नॉट मीटिंग टू द टीचर्स वर्चुअली थ्रू द इंटरनेट यू आर मीटिंग सो यू कैन डिस्कस दिस विद योर ब्रदर एंड सिस्टर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड विद य पेरेंट्स ऑल्सो सो आप उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि इन तीन पब्लिक सर्विसेज में क्या इंप्रूवमेंट किए जाने चाहिए इनका फंक्शन और कैसे बेटर किया जाना चाहिए वन एग्जाम्पल हैज बीन वर्कड आउट एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है विच आई विल एक्सप्लेन यू सो द फर्स्ट कॉलम इज पब्लिक सर्विसेज सेकेंड इज वॉट डिड यू नोटिस अबाउट देर वर्क उनके वर्क के बारे में आपने क्या नोटिस किया एरिया कवर्ड कितना एरिया कवर करती है वो सर्विस वॉट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी उनको किस चीज़ की क्या करने की ज़रूरत है कि वो फैसिलिटी को यूज़ कर पाएँ लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो फैसिलिटी जो दी गई है यहाँ पर पब्लिक सर्विस उसका यूज़ कर पाएँ प्रॉब्लम फेस्ड बाई दोज़ मैनेजिंग द सर्विसज सो क्या होता है जो लोग मैनेज कर रहे हैं सर्विस को उनके द्वारा क्या प्रॉब्लम फेस की गई प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हुई इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड और जो सुधार किए जा सकते हैं सो so फर्स्ट है आपका फेयर प्राइस शॉप विच इज ऑल्सो कॉल्ड राशन शॉप द शॉप वॉज ओपन खुली हुई थी थ्री पीपल केम तीन लोग आए दे ऑल हैंड हैड येलो कार्ड्स और उन तीनों के पास येलो राशन कार्ड्स थे दे ब्रॉड शुगर दे बॉट शुगर सॉरी एंड राइस कैरोसिन वॉज नॉट अवेलेबल उन्होंने क्या खरीदा शुगर खरीदा और राइस खरीदा कैरोसिन नहीं था एरिया कवर दिस शॉप कवर्स टू विलेजेस तो ये राशन की जो शॉप है वो दो विलेजेस को कवर करती है वॉट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ द फैसिलिटी उनको लोगों को फैसिलिटी यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरत थी यू नीड अ राशन कार्ड दिस हैज़ टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस सो राशन कार्ड कहाँ बनता है तहसील ऑफिस में बनता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय दोज मैनेजिंग द सर्विस जो लोग मैनेज कर रहे थे सर्विस को उनके द्वारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व सॉरी फेस की गई नॉट सॉल्व की गई देयर इज नॉट इनफ सप्लाई ऑफ कैरोसिन कैरोसिन की सप्लाई नहीं थी बिकॉज कैरोसिन वहाँ अवेलेबल ही नहीं था प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीपल लोगों के द्वारा क्या समस्या फेस की गई राइस इज अ वेरी बैड क्वालिटी जो चावल था वो बहुत बुरी क्वालिटी का था वी नेवर गेट कैरोसिन और लोगों को कभी भी कैरोसिन नहीं मिलता है बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है इस सर्विस में इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ राइस सबसे पहले तो चावल की गुणवत्ता को बढ़ाना है मेक कैरोसिन अवेलेबल कैरोसिन को अवेलेबल कराना है द फेयर राइस शॉप शुड ओपन एवरी डे और हर दिन खुलना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो सो दिस टाइप एक पब्लिक सर्विस आपकी दी गई है और आपने क्या वहाँ पर एनालाइज uh, किया वो आपने फिल किया सो लाइक वाइज यू हैव टू फिल आपको हेल्थ सेंटर जाना है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स रही एंड मिल्क सोसाइटी ये आपको कम्प्लीट करना है बाय योर सेल्फ So, uh, this was chapter 6 of civics, that is uh, rural administration. I hope all the parts of Patwari, tehsildar, and uh, police station and uh, what is Khasra record, that is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So, I will meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye-bye everyone.